थोड़ा सा और बेंड हो, परफेक्ट। ये क्या कर रही है? वेरी गुड, अब ठीक है। नाउ कम ऑन, बेंड नाउ, कम ऑन, फोल्ड योर हैंड्स, अब गो डाउन। कम ऑन, वो तो गई तेरी टीचर गिरी, अब बस मान जा। गुड ऑन, डू इट। बैकस्ट्रेट, one more lesson, come on, do it। Excellent, aaj ke liye itna kafi hai, chalo ab warm up karna hai, come on, come on, do it। You too, invitation dena padega, chalo warm up shuru karo। Vinay, ये टंगड़ी पहलवान हमने बॉडी बनाने सिखाई है। सुना नहीं, शुरू करो, प्रेम ठीक से करो। कर रहा हूं। वो तो गई अभी बच्चों वाली कसरत, लोग कुछ अच्छा काम करते, दौड़ने आए दौड़ लगाते, चलो। कौन क्या करेगा वो तुम नहीं, मैं बताऊंगी प्रेम। और बात रही कंपटीशन की, तो जिंदगी में जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो शायद तुमसे हो नहीं पाई। जिंदगी में सिर्फ शॉर्टकट सी है ना तुमने। लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर प्रेम सिंह राठौर, तुम्हारे पप्पा का नाम तुम्हें रेस जिता नहीं सकता। नाउ कम ऑन, इस ग्राउंड का एक चक्कर 10 मिनट में, फॉलो मी। अरे पारी सारी, चलो घर। कोई कहीं नहीं जाएगा, चाहे बारिश आए या तूफान, हमें आज मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो गाइस, कम ऑन, रन। यकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ तो इसकी आग है, यो चीटे बजना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो चोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बड़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। तुम्हें तो भागना था ना, एक और राउंड हो जाए। वेल गाइस, आज का सेशन बहुत अच्छा था, एनर्जेटिक था, कल हम यही मिलेंगे इसी हिम्मत और जोश के साथ। और हाँ,
सब यहाँ टाइम पर आएंगे, क्योंकि जीतने के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली हार्ड वर्क. सो गाइज, सी यू टुमारो. क्या लड़की है भाई, एक एक अस्थि पंजा ढीला कर दिया. मैंने तो पहले ही कहा था प्रेम भाई, सांप गले में डाल रहे हो. तुम लोग इस लड़की के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो. उसे बस नया नया टीचर के लिए करने का शौक है और कुछ नहीं. ऐसे लोगों की हवा निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है. पर प्रेम भाई, उसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. क्या कर रहा है जू भाई? फिलहाल तो उसने आपकी हवा निकाल दी है. मोटा बेन, मैं क्या बोल रहा था कि तेजा का कॉलेज जो है वो कितना अच्छा है. इधर प्रीति है ना, वो भी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रही है. मैं ये सोच रहा था मोटा बेन कि क्यों ना प्रीति का दाखिला भी तेजा की कॉलेज में करवा दे. जैसा तुझे ठीक लगे. ठीक है मोटा बेन. क्या हाल कर दिया तूने बेचारे, इसे लंगड़ा कर चल रहे. <इसके बाद ही। laughs> क्या हंस के रही है या कोई तमाशा चल रहा है क्या? अब के इस कॉलेज में हंसने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी. अरे तुझसे लड़ना भिड़ना और बेजबाजी करना तो दूर, तुझसे तो बात तक करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, समझी? Really, Mr. Prem Singh, I thought? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे आसपास मंडराने का. पर क्या है ना, स्पोर्ट्स इवेंट की ट्रेनिंग तो तुम्हें मुझसे लेनी पड़ेगी और मेरा कोई इरादा नहीं है इस पोस्ट से रिजाइन करने का. पर हाँ, एक तरीका है, तो अभी से हार मान लो और इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ. तेजस्विनी, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं. मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी? तेजस्विनी, मैं ये जानता हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव राजपिपला का सबसे बड़ा महोत्सव है. पर सर, मैं ऐसे कैसे? अपने आप पर विश्वास रखो तेजस्विनी. अभी तुमने ही तो कहा था तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है और कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन तो अभी खत्म हो जाएगा, फिर बिना पैसों के आगे की पढ़ाई कैसे कर पाओगी? आप अपनी फीस प्लीज एक हफ्ते में जमा कर देना, आपको 15,000 रुपए पे करने हैं. ओके सर, पर सर मुझे इस महोत्सव के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं अकेले कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें अकेले नहीं किसी के साथ मिलकर काम करना है जो हर साल इस महोत्सव की देखरेख करता आया है. थैंक यू सर. सर, आपने बुलाया मुझे? इस साल जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों में तुम्हारी मदद तेजस्विनी करेगी. सर, मैं किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूं, पर इस लड़की के साथ मैं काम नहीं करूंगा. पर प्रेम बेटा, इस महोत्सव से तुम्हारे पिताजी की रेपुटेशन जुड़ी है, बाहर से भी बड़े बड़े लोग आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि इस महोत्सव की तैयारी में कोई भी कमी छूटे. पर सर, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे नहीं मिले तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी. तेरे साथ काम करना मतलब अपने दिन रात का सुख चैन हराम करना, पर मेरे पापा की इज्जत पर मैं किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दूंगा. तो तैयार हो तुम दोनों? जी. तो फिर ठीक है, तुम दोनों आज से ही इस महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दो.
ओके सर, थैंक यू। और हाँ, एक और खुशी की बात है, इस साल हमारे कॉलेज का बजट बढ़कर 25 लाख हो गया है, तो तुम दोनों ध्यान रखना, इस साल का ये महोत्सव और भी ग्रैंड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जी सर। या गुड लक। जन्माष्टमी की तैयारी, वो भी साथ साथ प्रेम और तेजस्विनी। अरे बाप रे, बम धमाका तो होगा ही होगा। प्रेम भाई तेजस्विनी के साथ महोत्सव की तैयारी करेंगे? तब तो हो गई तैयारियां। सुनो प्रेम। क्या क्या सुनना चाहती है? जिस फंक्शन को इतने सालों से अकेला मैं कर रहा हूँ, उसको करने में तू मेरी मदद करेगी? इस काम को करना मेरी मजबूरी है, और हम दोनों का साथ में काम करना हमारी मजबूरी। हम दोनों चाहते हैं ये महोत्सव सक्सेसफुल हो। अगर कुछ टाइम के लिए हम दोनों बिना झगड़े, बिना बहस के काम करें। हाँ हाँ, मतलब सारा झगड़ा तो सिर्फ मैं ही करता हूँ ना, तू तो एकदम जलेबी की तरह सीधी है, गोल 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 गोल। नहीं ठीक है मैम, मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे बीच कोई बहस ना हो। अब ठीक है सारा, चल। तो तेरे मेरे बीच एक डील है, आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो दूसरा सजा सुनाएगा, और जो लड़ेगा उसको सजा माननी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? कल मिलते हैं। एक ही दिन में ये हाल कर डाला हमारा, ट्रेनिंग खत्म होने तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे शायद। भाई इस टाइम तो मेरी पूरी बॉडी चींक चींक के यही कह रही है, मुझे बचाओ। इतनी मेहनती और समझदार बच्ची है ना तेजस्विनी, हर क्षेत्र में अव्वल, पढ़ाई हो खेलकूद, कौन सा ऐसा गुण है जो उसमें नहीं है। ओ बच्चों, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, यहाँ घुटनों पर बाम लगाओ और कपड़ा बांधो और हल्दी वाला दूध पीकर सो जाना। भाई जो हालत इन दोनों की है उससे ज्यादा खस्ता हालत तो अर्जुन की है, शक्ल तो देखो मोटा भाई इसकी। हाँ बड़े पापा, कॉलेज में तो पता नहीं चला, पर घर पहुंचते जैसी सोफे पे बैठे ना तो हड्डियों से आवाज आ गई। पर सही में आज की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड थी। कुछ भी कहिए मोटा भाई, लड़की है कमाल की, दम है तेजस्विनी में, बहुत अच्छे से क्लास ली है इन चारों की। काका, मैंने कितनी बार कहा कि तेजस्विनी का जिक्र अब इस परिवार में नहीं होगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से। मत बोल। अच्छा मोटा भाई, अब मैं चलता हूँ। मोटा भाई वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपसे मिलने चला आया, वैसे भी बहुत देर हो गई है, आप लोग भी आराम कीजिए, कल सुबह बच्चों ने ट्रेनिंग पे भी जाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रेम भाई को हुआ क्या है? अर्जुन भाई को शायद बुरा लग गया। नाश्ता नहीं किया क्या? क्या कर रहे हो? आराम से, ध्यान से अज्जू। नाइस अर्जुन, तुम बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। गाइस अर्जुन को एक बार ऑब्जर्व करो, उसका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है। Only 10 counts. Come on. 1, 2, 3.
Come on, guys, you can do it. That's it, guys. That's it. Okay, guys, आज के लिए बस इतना ही, पर हमें कल और मेहनत करनी है, okay? तो कल सब टाइम पे आ जाना. वेलकम अर्जुन, आज तुमने बहुत अच्छा किया. थैंक्स. एक्चुअली मुझे तुम्हें और कुछ भी कहना था. प्लीज ये मत समझना कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो. कॉलेज में इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना बस. एज अ फ्रेंड तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, अगर तुम स्पोर्ट्स को परस्यू करोगे तो तुम बहुत आगे जा सकते हो. श्योर. कल मिलते हैं. या. थैंक्स. अब ये क्या नौटंकी हो रही थी अर्जुन? तू जानता है ना वो लड़की बहुत चालाक है, एकदम लोमड़ी दिमाग से, पर फिर भी तू ऐसा नहीं है प्रेम भाई. हम हमेशा से तेजस्विनी को गलत समझते आए हैं. मेरी प्रेम है कहां अभी तक? हमेशा लेट आएगा, कभी भी टाइम पे पहुंच नहीं सकता ही. मुझे पता भी नहीं कि क्या 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 प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या होता है इसमें, और लेट. हाँ तो यहाँ पे तो तू मेरी कोच नहीं है. एनीवेज ये देखो, महोत्सव की रिक्वायरमेंट लिस्ट तैयार हो गई है और बजट भी रेडी है. कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमें जो भी बजट मिला हमें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा. क्यों? एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा? अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम पैसे पापा से ले लेंगे ना? नहीं, हम पैसे तुम्हारे पापा से नहीं लेंगे. जो बजट मिला है उसी में हम काम करेंगे. ओके? देखते जसवनी, ये महोत्सव अच्छा नहीं, सबसे शानदार होना चाहिए. जितना पैसा खर्चा होता है ना कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रेम, पैसों से इज्जत नहीं कमाई जा सकती, और शानदार काम के लिए तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. करो मेहनत, थोड़ा पत्थर जो करना है करो करो, पर ये एक बात याद रखना था जिसमें, अगर महोत्सव में ये दो चार बैनर कम पड़ गए या दो चार मेहमान महोत्सव में ज्यादा आ गए और खाना कम पड़ गया और सब अफरा तफरी मच गई, तो उसकी सारी जिम्मेदारी तेरी होगी. हा? इस महोत्सव का सक्सेसफुल होना जितना मेरे लिए जरूरी है उतना तुम्हारे लिए भी है. तो अपने ये पैसे की अकड़ अपने पास रखो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, समझे? वेरी गुड. अब आया ऊंट पार के नीचे. तेजस्विनी मेहता, भूल मत कि अपनी डील हुई थी कि अब हम दोनों में से कोई भी नहीं लड़ेगा, और जो भी लड़ेगा उसे अपनी गलती का भुगतान करना पड़ेगा. देख ले, तू हार गई, इसलिए अब तुझे ये जो बचे हुए बैनर है ना, इनके कुछ खाया जा जल्दी. मैंने अगर ये पैसे दे दिए तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं. जल्दी अरे अरे, तू किधर जा रही है? अरे बहुत काम बाकी पड़ा है. तुम आए हो, मैं लेट नहीं आई हूं, मुझे और भी काम है.
तेजस्विनी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। कहो। वो मैं तुम्हें अभी एसएमएस कर देता हूँ। तेजा मेरे भाई से बहुत चिपक रही है।